टू माई यूट्यूब चैनल देख रही है आप। तो आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। मैं UP SSSC गया था अपने काम से, जो मेरा सिलेक्शन केंद्र सुपरवाइजर में हुआ है जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मैं वहां पर गया था और वहां पर जाने के बाद मुझे एक अच्छी न्यूज प्राप्त हुई कि वहां जो एक ऑफिसर थे तो उन्होंने मेरे सामने ही एक अधियाचन जो है एक अधिकारी को दिया था कि जल्द से जल्द उसे अपलोड कर दिया जाए, तो उसे चेक करने के लिए दिया था। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। और ये अधियाचन तो मैं नहीं देख पाया किस चीज़ का है, लेकिन वो उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो TA या केन सुपरवाइजर का अधियाचन है जो कि 2500 वैकेंसी का है। तो उस अधियाचन में 2-2500 वैकेंसी की बात जो मैंने देखी थी, तो ये अधियाचन TA या केन सुपरवाइजर का ही है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, जो AGT और केन सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है। ये मुझे लगता है कि 15 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए। तो प्रिपरेशन करते रहिए, और काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। इसमें से अगर बात की जाए केन सुपरवाइजर की, तो केन सुपरवाइजर की लगभग इसमें से 800 से 900 वैकेंसी हो सकती हैं, और बाकी 1800 तक या उससे कम थोड़ा TA की। टोटल 2500-2600 वैकेंसी होंगी। तो अभी ये अधियाचन आएगा और उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे, और इसमें जो PET का स्कोर है उसी के बेस पर मेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन होगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि PET का स्कोर मुझे लगता है कि बहुत कम ही जाएगा। लगभग ये मान के चलिए ज़्यादातर लोगों का हो ही जाएगा, क्योंकि 15 गुना लेते हैं। तो 15 गुना के हिसाब से अगर आप सोचें, तो अगर 15 गुना लेंगे तो 2500 का 15 गुना आप सोच सकते हैं कितना हो सकता है। तो ये करीब 30-32 हज़ार लोग लेंगे, जिसमें से PET का एग्ज़ाम देने वाले 50 हज़ार ही अभ्यर्थी थे। 50 हज़ार अभ्यर्थी ही PET का एग्ज़ाम दिए थे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के थे। तो 32 हज़ार का होना है, तो उसमें से ज़्यादा आधे से ज़्यादा लोगों को मेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो जाएगा और अधियाचन बहुत ही जल्द आने वाला है। धन्यवाद।